हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज क्लास 8, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं हम। और लेसन फर्स्ट है द सेंटेंस। द सेंटेंस में हम डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कर चुके हैं और पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस भी हमने कर लिया है। उससे आगे देखेंगे टाइम टू डू में आपकी एक्सरसाइज। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को पढ़िए एंड रीराइट और दोबारा लिखिए देन उन्हें विद करेक्ट पंक्चुएशन। इट मींस पंक्चुएशन का सही यूज करके हमें ये दोबारा लिखने। पंक्चुएशन का मीन्स आप जानते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल स्मॉल और पंक्चुएशन मार्क्स हमें ये लगानी है, ये सारी चीजें। एंड राइट दियर काइंड्स, और उनका हमें काइंड्स भी लिखना है। ये असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। ये मैं आपके सामने अब सॉल्व कर रहे हैं और उसके आगे आपको एक में काइंड्स, एक सेंटेंस का आपको काइंड्स बता दूंगा, उससे आगे आपको अपने आप करना है। ओके, काइंड्स अपने आप करना है। गॉट इट? नाउ लुक एट द व्हाइट बोर्ड। लिसन टू मी, इसका मींस लिसन टू मी। ये जो सेंटेंस है किससे स्टार्ट हो रहा है? मेन वर्ब से। ऐसे सेंटेंसेस जो मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है, यू, छिपा हुआ सब्जेक्ट, मेरी सुनो। तो हम तुमसे कह रहे हैं लिसन टू मी, यू लिसन टू मी, लेकिन यहां पर लिखा नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट लेटर किसमें आएगा? कैपिटल में। पंक्चुएट करना सबसे पहले लिसन, एल कैपिटल, लिसन टू मी। और जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें लास्ट में क्या आता है? फुल स्टॉप। तो ये हो गया लिसन टू मी और फुल स्टॉप। और ये सेंटेंस कौन सा है? इंपेरेटिव। यहां पर लिख देंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। इस तरीके से आपको ये करने इंपेरेटिव सेंटेंस, सेंटेंस नेम बताना है बस, ये आपको करना और मैं कर रहा हूं अभी। आगे देखें, कैच द थीफ। कैच द थीफ, चोर पकड़ो, क्या है? मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा, कैच द थीफ। और इंपेरेटिव सेंटेंस से आपको पता है इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस हम क्या यूज करते हैं? फुल स्टॉप। अब इसका सेंटेंस का काइंड लिख देंगे, कौन सा सेंटेंस कर सकते हो? इज दैट ऑल सी सेड। अब ये देखेंगे ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है। इट मींस ये हमें पहले रीराइट करना है, सही क्रम में लगाना है, रीअरेंज करना है। जंबल्ड सेंटेंस भी हमें बोलते हैं। तो सी सेड दैट इज ऑल, सी सेड दैट इज ऑल। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है वो आप लिखेंगे ध्यान से पढ़ के। लकी पुट द टी कप्स इन द ट्रे। तो लकी कॉमा पुट द टी कप्स इन द ट्रे। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस और वो आप लिखेंगे, सेंटेंस का नेम लिखना है। टर्न टू द राइट एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग। तो टर्न टी कैपिटल लेटर में आएगी, टर्न टू द राइट एट द नेक्स्ट नेक्स्ट क्रॉसिंग। मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है हमारा, मेन बताया था जो मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इन द एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप है, कौन सा सेंटेंस है आप आराम से बता सकते हैं। ट्राई कर, देयर इज नो बस एट द बस स्टॉप। फर्स्ट लेटर कैपिटल में, उसके बाद सेम लिख लें, देयर इज नो बस एट द बस स्टॉप, कौन सा सेंटेंस है आप बता सकते हैं। देयर हमारे यहाँ पे जस्ट डमी सब्जेक्ट है। व्हाट इज द मैटर, फर्स्ट लेटर कैपिटल में, व्हाट इज द मैटर, व्हाट आपको पता है व्हाट क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क है। हिज वर्क इज केयरलेसली डन, हिज वर्क इज केयरलेसली डन, फर्स्ट लेटर कैपिटल में और उसके बाद फुल स्टॉप है ना। अब हमें इनका काइंड्स लिखना है, वो आप अपने आप करेंगे घर पर। ओके, होमवर्क में आपको ये करना है। पेज नंबर कितना है? 7। बी क्वेश्चन है ये आपको करना है होमवर्क में एट पेज नंबर 7। सिंसियरिटी से वर्क करें, पढ़ें घर पर, टाइम का सही यूज करें। अभी आपके पास टाइम है तो स्टडी करना है और घर पर रहें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।